श्री रामचंद्र जी जन्मभूमि से चावल आए हैं और सुबह सुबह पूरी टीम हमारी अनुखेर की, आप देख सकते हैं कि सभी लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं। मैंने ड्रोन से शूट लिया था इसका, मैं आपको दिखाऊंगा। और सभी लोग आ चुके हैं जो जन्मभूमि है श्री रामचंद्र जी की, वहाँ पे राम मंदिर बनने जा रहा है 22 तारीख में, कल। आप सब लोगों से मैं विनती करता हूँ कि वहाँ पे अपने अपने घरों पे दिवाली मनाएं, और जैसे दिवाली का त्यौहार मनाते हैं ऐसे मनाते रहें। तो मैं इसको आपको दिखाऊंगा अभी फोकस करके कि क्या हमारे यहाँ चावल वगैरह आए हैं। देव ले आए कबूतर का बच्चा पकड़ के, और वेद कहाँ से पकड़ा इसने? बाहर से पकड़ के लाया, देखो ये वो फड़क रहा है, तो छोड़े आओ इसे बाहर, जाओ जाओ छोड़े आओ। ये दोनों खुरापात पकड़ लाए बहुत तेज हैं दोनों। गाइस अभी आ गए हम बाल कटवाने, यहाँ से चलते हैं बाल कटवाने, देखते हैं दीपक है होगा तो दीपक से कटवाएंगे, वरना कोई और होगा तो उससे कटवाएंगे। और मौज आ रही है, ये हमारा पंसारी दोस्त, कुछ कर ले काम, बैठा क्यों भाई, क्या करें, कुछ भी कर ले तू, कहां तुम करने जोगे कुछ यार। सही कह रहा है, हाँ इसकी वायरल करूंगा मैं इसे। कैसा लगा मेरा मजाक? मजे ले रहा है। ये आकाश है, ये मेरा भाई छोटा भाई। हाँ ये यहाँ प्रेस कर रहा है, कपड़े निकाल दियो मेरे भाई, आ जाओ पुराने वाले नए वाले ये बाजार इस तरीके से सुबह सुबह भीड़ कम है अभी मार्केट में। श्री रामचंद्र जी के झंडे पूरे मार्केट में लहरा रहे हैं, हर घर पे आप देख सकते हैं। हमारा दोस्त दीपक भाई हाय तो कर दे मेरे व्यूअर्स से, थैंक यू। अभी मस्त कटाते हैं बाल, कितना टाइम लग जाओ भाई, ओ मेरी जो ये लग नहीं रहा क्या सारे काटेगा मेरे बाल आज। गाइस गड़बड़ हो गई, हम आ गए गलत टाइम पे, और ये बाल काटने को राजी नहीं है, ये कह रहा है पहले घूस खिलाओ तब बाल काटूंगा। गए हमारे बाल, अभी चल रहे हैं घर पे नहा धो के, होते हैं रेडी, फिर कुछ शॉपिंग है, कुछ शाम का भी प्लान है। दीपक भाई ने तो नहीं काटे हमारे बाल, पर अंकल जी ने काटे हैं आज, मस्त काटे एकदम, दीपक से तो अच्छी काटे हैं। हाँ भाई चल तो रही है यार। फाइनली पहुंच गए घर, कटिंग करा के अभी नहाते हैं। सही काटी, बढ़िया कटिंग हुई आज। कनक मेरे इंतजार में आया हुआ है, कौन आया हुआ है? वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम नहा धो के हो गए हैं रेडी, आज हमारे चूल्हे पे बन रही हैं मस्त गरम गरम रोटियां, यहाँ चल रही है बहुत मेहनत चल रही है। गाइस क्या चल रहा है? लकड़ी ले और यहाँ देखो आ रहा है देव भाग के, यहाँ चल रही है लकड़ी की मेहनत, लकड़ी ले जाई जा रही है यहाँ से, लकड़ी भर के चूल्हे के पास ले जाई जा रही है। और आज गरम गरम रोटी का सुहाना सफर शुरू होता है इस तरीके से, और देखिए आप यहाँ पे लगाई जा रही है झाड़ू। और यहाँ बन के देखिए गरम गरम, अभी चूल्हे में आग भी नहीं लगी, हमारी करी बन के होगी तैयार।
चूल्हे में आग भी नहीं लगी गाइस, और यहाँ पे रोटी बन के हो गई तैयार। रोटी नहीं बनी अभी तो, आटा भी तैयार नहीं है हमारा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सामग्री आ चुकी है विद घी, देख रहे हैं आप। ये सेहत का राज कुछ ऐसे ही नहीं है, ये घी है। तुम भी आज बाजरे की ही रोटी खाओगे गाइस, यही बस थोड़ा सा दिल दुखाने वाली बात है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे मेरे साथ। घी लगा के ऐसा चूरमा बना देंगे। चलो देखते हैं आज बाजरे की रोटी खा के मस्त। अभी अभी नहाए और टाइगर भी हो गया हमारा रेडी रोटी खाने के लिए। ये पे बन रही हैं गरम गरम सब्जी, गरम गरम रोटी। अभी लगेगा ये बाजरे का आटा, घी के साथ खाएंगे गरम गरम रोटियां। ये हमारे पिताजी का पहलवानी का मुकदर है, देख सकते हैं आप। इससे हमारे पिताजी पहलवानी किया करते हैं मस्त। अब यहीं देखिए आप, आ गई हमारी चद्दर, बैठेंगे यहीं पे। धूप में को बिछाते यार, धूप ही आएगी आज के पास। गाइस हम बैठ गए यहाँ पे पालती मार के, आज की पार्टी आ रही है। अरे लकड़ी आ गई ये यहीं रख दो, यहीं रख दो। कुली नंबर वन टू, वन कहाँ है? कुली नंबर वन कहाँ है? ओह माय गॉड, एक और आ रहा है हमारा कुली नंबर वन। थोड़ा सा वजन ज्यादा प्रकोप लग रहा है मुझे उस पे। वजन नहीं है, इतनी लकड़ियों से क्या हो रहा है? और लाओ नहीं, और लाओ यहाँ पे, हाथ भी तो तापने को चाहिए लकड़ी। ओ ये टाइगर देख रहा है तू? टाइगर तूने देखा है? मस्त लड़ाई, तूने कैसे छुआ मेरे मालिक को? ये छू रहा है मुझे इसलिए काट रहा है तू? मार मार, WWE शुरू हो गया यहाँ पे। टाइगर 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 टाइगर, तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। मार 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 टाइगर, मार मार। कितने सारे चुपट गए यहाँ ये मेरे से। क्या हो गया शेरू? देख इसमें कौन है, देख रहा गौर से। कौन है देख, इसमें देख, कह रहा मेरे जैसे लग। ये आ गई है गरम गरम कड़ी, अभी इसके साथ देखिए प्रक्रिया शुरू हो गई है बाजरे की रोटी की। देखिए इनको पकड़ो ना, हाँ लकड़ियां सप्लाई होने का काम चल रहा है। और लाओ, और लाओ। सौ से हाँ। कोई बात नहीं, और लाओ। कोई बात नहीं, लाओ और जाओ। पापा ले आए कंडे यहाँ पे, क्या लाया है? और लाओ, और लाओ, तुम लाओ। क्यों नहीं है? नहीं है। तेव और वेद ने इतनी सारी लकड़ी इकट्ठी कर दी है। यहाँ आ गए पापा, दड़ी बिछा के ये मस्त बैठेंगे। मम्मी बना रही गरम गरम रोटी बाजरे की। चलो बनाए दो तो। कुलारी प्लेट लेके आओ, प्लेट। ए कुलारी प्लेट लेके आओ, हाथ धो के आओ, झुकेगा नहीं। भैया खाना, गाइस ये लड़का देखो हाथ धोने नहीं जा रहा है, हाथ धो के इसे खाना खिलाएंगे, हमें से खाना नहीं देंगे नहीं तो। भैया गंदी बात, गंदी बात है बेटा, ऐसा नहीं कहते ना। अच्छा एक काम करो,
हाथ धोया और खाना खाओ। यहाँ सीखिए देखो मस्त हमारी बाजरे की रोटी, रोटी पे लगेगा मस्त घी, शुद्ध प्योर देसी घी, घर का बना हुआ। यहाँ कड़ी आ चुकी है और कड़ी के बाद अब घी का इंतजार, घी का सॉरी रोटी का इंतजार। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। यहाँ बन रही है मस्त रोटी, पक गई आ जा। एक रोटी पक गई, पक गई भैया, दूसरी भी आ जा। मस्त यहाँ खाई जा रही है चूल्हे की खाना। पर कैसा बना खाना? मस्त एकदम, बाजरा की रोटी, कड़ी देख सकते हैं आप, कड़ी रोटी, रोटी सिक रही है आप। आज चूल्हा बने हुए कई दिन हो गए, सूखा है आज। मौसम खराब था ना, इस वजह से और थोड़ा सा वो गीला हो जाता होगा पेड़ के नीचे डेली ओस से। ये देखो सास बहू, सास बना रही खाना और बहू बैठ के देख रही है। ये आजकल का कल्चर आप देख सकते हैं। ये भी नहीं झूठे को कह दे लाओ सासू माँ मैं बनाऊँ। मम्मी ने सच मान लिया, फिर क्या करूँगी? तो क्या हुआ, रोज मुझसे बनवाएंगी? ये बात भी है, पहले ही अपने हाथ खड़े कर दो, मुझसे नहीं आता भैया चीज़ें। भाई आगे रोटी देसी घी की चुपड़ी हुई बाजरे की, आज फर्स्ट टाइम मैं खा के देख रहा हूँ। यहाँ खाना पापा ये देसी खाना है मेरी माँ ऐसी खाते हैं इसे। यहाँ खाया जा रहा है गरम गरम खाना, टाइगर्स बैठे हैं यहाँ पे हमारे। ये खाना खा रहा है, चप्पल पहन रहा है। बाजरे की रोटी भी बनी है, जिसको नहीं पसंद है उसके लिए गेहूं की भी बनी है। इस चूतिया को पसंद नहीं गेहूं, बाजरे की रोटी। गाइस अभी हमने अभी ब्लॉग को करते हैं एंड, और एक मेरा डेली ब्लॉग जो आना है वो आएगा अभी थोड़ी देर में। अभी बीच में हम कंबल बांटने चले गए थे, वो मैं आपको ब्लॉग अलग दूंगा, जो हमने कंबल वितरण किया ना उसका ब्लॉग मैं आपको अलग दूंगा। तो वो ब्लॉग अलग आएगा और ये ब्लॉग अलग आएगा। तो मिलते हैं आपको, चैनल को कर देना गाइस सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। और आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि ठंड में अगर कोई भी व्यक्ति आसपास ठंड से पीड़ित है तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। बाय बाय।